हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्कानिया कैसे चलाना है। चलाना देखिए, चलाने का मामले में तो हर ड्राइवर गाड़ी चलाने आता है, लेकिन होता क्या है कि स्कानिया चलाना सीखे पूरे अच्छे से, इसका गियर, इसका पूरा कैबिन रिव्यू, तो ये सारा चीज आज मैं करने वाला हूं इस गाड़ी में। और साथ में है राजू भाई। ये राजू भाई आज पूरा डिटेल बताएंगे। राजू भाई सबको थोड़ा सा नमस्कार कर दीजिए। और ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र है। तो चलिए राजू भाई शुरू करते हैं। और आज टोटल, जैसे कि पिछला एक वीडियो था मेरा कैट का 100 टन का, तो क्या था कि मुझे भी पता है लेकिन बीच में मैं बोल जाता था 777E में। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जो प्रेजेंट चला रहा है यही समझाएंगे कि कितना अच्छा चलाना है। तो चलिए राजू भाई, अभी अब तो राजू भाई शुरू करें। चलिए तो फिर स्कानिया चलाते हैं हम लोग अब। हेलो दोस्त। चलिए तो राजू भाई आप पूरा अच्छे से डिटेल बताइए। पहले तो आप गियर का डिटेल बता दीजिए और गियर के बारे में फिर पूरा डैशबोर्ड ले लीजिए। गियर और पीटीओ, पीटीओ के बाद में, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड बता दीजिए। क्योंकि कोई भी ड्राइवर जब आता है चलाने के लिए स्कानिया, तो उसको गियर नहीं समझ में आता कि गियर कैसे लगता है नहीं लगता, क्योंकि विदाउट क्लच का गाड़ी है, बिना फुट क्लच का गाड़ी है ये। तो इसके लिए तो एक काम करते हैं, पहले आप गियर समझा दीजिए, उसके बाद पीटीओ समझा दीजिए, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड बताइए। चलिए, जैसा कि सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी ड्राइवर आते के साथ सबसे पहले गाड़ी में इंटर करने के बाद सबसे पहला गलती ये करता है कि स्टेयरिंग पकड़ के चढ़ता है। ये कभी नहीं करना है, स्टेयरिंग पकड़ के कभी नहीं चढ़ना है। ये फर्स्ट रोड सेकंड रोड पकड़ के चढ़ के बैठना है। बैठने के साथ फर्स्ट टाइम ये सबसे पहला इक्विपमेंट यही है कि ये हमको यूज करना है। यूज करने के बाद ही हमको कुछ आगे काम करना है। ये यूज करने के बाद सबसे पहले स्टेयरिंग सेट कीजिए। ये इधर अच्छा, पुश करने से, ये पुश करने से, ये पुश करने से अप डाउन होता है। अभी गाड़ी बंद है, एयर नहीं है, इस वजह से ये लॉक है। उसके बाद ये सिस्टम लॉक करता है, ये करके डाउन करके इससे लॉक, मतलब वो स्टेयरिंग एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब आया आप इक्विपमेंट। सबसे पहले आप चाबी दे दीजिए। चाबी देने के बाद आपका डैशबोर्ड ऑन हो गया। डैशबोर्ड में आपका आएगा ये टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर के बाद आएगा आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर किलोमीटर का ये मीटर हो गया। और ये हो गया आपका फ्यूल मीटर। और बाकी सारे इक्विपमेंट आपको यहाँ पे आएगा। जैसे ये फर्स्ट सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल है आपका एयर प्रेशर। एयर प्रेशर गाड़ी में नो नहीं है, तो हाँ डाउन है, तो तीनों में आपको एयर प्रेशर नहीं दिख रहा। ये आपका एयर फिल्टर का है, और ये अभी आपका एयर नहीं है इसलिए स्टॉप सिग्नल आ रहा है। बस इतना ही सारा, बाकी सारा आपको जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे आएगा, इंडिकेट करेगा। चलिए तो और ये हो गया इसका चेक करने का मीटर। ये आप देख रहे हैं, ये बटन, इससे आपका मीटर काम करेगा। अप डाउन, जैसा कि आप में इसमें एरो देख रहे हैं, अप डाउन, राइट लेफ्ट। और ये एग्जिट बटन है, ये बटन आपको बाहर के काम के लिए, ये ट्रेलर वगैरह में ज्यादा यूज होता है, इसका कोई काम नहीं है इसमें। और ये हो गया गियर, मतलब एक मिनट मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ मोबाइल। चलिए अभी आप गियर, मतलब स्टीयरिंग के राइट साइड में है ना। हाँ, स्टीयरिंग के राइट साइड में ये आपका गियर हो गया। गियर में ये सामने न्यूट्रल लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है और बैक एरो बना हुआ है। और ये एक एरो है, ये एरो से ये न्यूट्रल अगर लगा हुआ है तो न्यूट्रल में गाड़ी रहेगी। गाड़ी तो ये ट्रांसमिशन है, बिना क्लच वाली गाड़ी है। बस चढ़ने का साथ ही आपको हैंडब्रेक लगा के चाबी ऑन करके गियर अगर देना है तो फर्स्ट में ये दबता है, तो ये दबा करके बैक लगता है। फ्रंट में इसका यूज नहीं है, फ्रंट में बस यूं ऐसे गियर लगाया, आपको एक नंबर लग गया, एक नंबर आपको मीटर में शो कर जाएगा। एक नंबर शो कर रहा है, देखिए मीटर में शो कर रहा है, N1। हाँ, N1 है, शो कर रहा है। अगर ये आप अप कीजिएगा तो वहाँ 200 कर जाएगा। हाँ, फिर एक बार अप कीजिए, 3 हो जाएगा। नहीं, अभी जब ये गाड़ी रनिंग रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें गियर खाली गाड़ी में यूज नहीं करना चाहिए गियर। और ये हो गया बैक के लिए, बैक के लिए हमेशा दबा के ही यूज होता है। दबा करके ये एक नंबर है, ठीक है, ठीक है। और अगर ये 2 नंबर लगाने का है तो दबाने के बाद एक अप करने बाद 2 लग जाएगा, ठीक है। और ये हो गया मैनुअल ऑटोमेटिक बटन। अगर आप ऑटोमेटिक में चलना चाहते हैं तो वहाँ ए लिखा हुआ रहेगा। और अगर जस्ट ये बटन, फिर उसी मतलब ये बटन एक बार पुश करने के बाद जस्ट वहाँ मैनुअल आ जाएगा। हाँ, ये मैनुअल आ गया आपका। अब मैनुअल में भी एक ओ मोड आता है। ओ मोड जैसे कि आप लोग देखेंगे वॉल्वो में एक पी मोड आता है, उसी तरह के ओ मोड आता है। ओ मोड में क्या है कि आपको अगर एक नंबर से 2 नंबर चल रहे हैं और चढ़ाई है, तो एक नंबर से 2 नंबर शिफ्टिंग करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए ओ मोड यूज किया जाता है। ओ मोड लगाने का नहीं है, उसमें गियर में प्रॉब्लम आता है, बहुत कम यूज करने का। जैसे आप गाड़ी चढ़ रहे हैं चढ़ाई में, अगर मौसम तोड़ने वाला है तो पहले ओ मोड लगा के आप गियर को एडजस्ट करके फिर से ओ मोड हटा दीजिए। तो ओ मोड कैसा लगता है वो बहुत ज्यादा जानने। ओ मोड जस्ट गियर लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर एक और ऐसे पुश जाता है, ये पुश करके छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ओ मोड शो कर जाता है। हाँ, ये शो कर जाता है। एमओ
नया नया ड्राइवर लगाता है ज्यादातर ओ मोड में चलाता है, लेकिन वैसा चलाना नहीं चाहिए, इसका सिर्फ यूज होता है कभी कभी। चलिए ठीक है, और बैक में भी ओ मोड चलता है, लेकिन ओ मोड का कोई काम नहीं है, ओ मोड का वैसा काम नहीं, मतलब बहुत रियर कंडीशन में हम लोग उसको यूज करते हैं। एक चीज और इसमें अच्छा है कि आप गियर लगाने के बाद अगर गाड़ी नहीं उठ रही है तो इसमें एक जैसे एक नंबर लगा हुआ है तो इसको एक बार डाउन कर दीजिए, डाउन करने के बाद वहाँ पे सी एच गियर आ जाता है, सी एच गियर होता है क्राउलिंग हाई गियर है, अगर इससे भी गाड़ी नहीं उठती है तो फिर सी एच लो कर देना, फिर एक बार और दबने से लो हो जाता है, क्राउलिंग लो आ जाता है। ये आपको सबसे हार्ड पावर गियर है, मतलब यानी कि जैसे वॉल्वो में सी गियर है उस हिसाब से, यानी कि एक बार हम फ्रंट दे दिए अगर नहीं उठा तो एक बार पुश नीचे दाब दिए। अच्छा अच्छा, क्रॉलर गियर में ये गियर का फंक्शन आपका क्लियर हो गया। हाँ गियर इधर आइए, स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में एक लीवर है, लीवर है तो ये लीवर को, ये लीवर में अप और डाउन है, ये तो इंडिकेटर है, हाँ इंडिकेटर हो गया, ये वाइपर हो गया, यहाँ वाइपर हो गया, वाइपर यहाँ चलती है, ठीक है, ये हो गया हेड और लाइट, हेडलाइट का स्विच यहाँ पे है, हेडलाइट का स्विच, हाँ ये फर्स्ट में पार्किंग है, हाँ, ये पार्किंग लाइट जल जाएगी, और ये हेड है, ठीक है, हेडलाइट वहाँ, हाँ ये चले ठीक, ये हैजर्ड स्विच होगी, हैजर्ड स्विच उसके ऊपर, ये हो गया एक्सीलेटर, एक्सीलेटर आपको ऑन करके, और अगर जब भी अगर आपको लगता है लॉक करने का डाला उठाने के लिए तो इसको एक बार दबा के छोड़ दीजिए, और ये प्लस करने से बढ़ेगा आरपीएम में, सेट करके छोड़ दिया, और उसके बाद ये छोड़ दीजिए आपको उतना में डाउन होगा, फिर इसको काट के ही रखना। ये है व्हाइट स्मोक, व्हाइट स्मोक क्या होता है कि अगर आपको गाड़ी ठंड में, काफी जगह कश्मीर वगैरह में गाड़ी ठंडी जगह में खड़ी रहती है तो क्या होता है कि आपका गाड़ी ठंडा पड़ जाता है इंजन, तो ये 10 मिनट 5 मिनट के लिए ये ऑन करके छोड़ दिया जाता है जिससे कि इंजन हीट हो जाए, उसके बाद फिर चाबी दिया जाता है तो गाड़ी स्टार्ट ले लेती है। ये आपका हो गया इंजन कंट्रोलर, जैसा कि सब में दिया हुआ, किसी में रिटार्डर दिया हुआ यहाँ पे, उसी तरह बस यहाँ पे इसके दो सिस्टम है, एक यहाँ है एक यहाँ पैर के पास रहती है एड़ी के पास, लेकिन इसमें खराब हो चुकी है, तो इसका सिस्टम बस वही है, ब्रेक को छुइएगा तो ये काम करेगी, ब्रेक छोड़ दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगी, मतलब इंजन कंट्रोलर ब्रेक के साथ ही काम करेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड में आइए, लेफ्ट साइड में ये हो गया आपका डिस्प्ले का लाइट, ये लाइट कम करने से मतलब ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम बेसी होता है और ये बढ़ेगा। ये आपका घड़ी का स्विच है, वॉच का, ये आपको टाइम सेटिंग करने के लिए है, इससे मतलब सेट करके इससे ओके करने, ओके करने का। ये आपका पीछे डाला लाइट का स्विच है, ये एक बार दबाने से डाला लाइट जल जाएगा, लेकिन ये यूज कब होगा, जब ये पार्किंग ऑन रहेगा तभी यूज होगा, तभी यूज होगा। अच्छा अच्छा, ये हो गया आपका टीसी, ट्रैक्शन कंट्रोल, आजकल सभी गाड़ी में आ गया है डिफेंसर कंट्रोल, जिस तरह हम एक तरह का डिफेंस, मतलब डिफेंसर कंट्रोल, जैसे गाड़ी कंट्रोल करने के लिए अगर गाड़ी रोल कर रहा, उतर रहे हैं कहीं से, बस तो इसको फर्स्ट में, हाँ ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी आदमी समझते हैं, ये यूज करने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसको एक बार दाब के छोड़ देना है, यहाँ पे देखिए टीसी लिखा गया, बस एक बार, एक बार इसको ऐसे दाब के छोड़ दिए, देखिए टीसी हो गया ऑफ रोड एक्टिवेट, तो ये यूज करने का, फिर दोबारा दाबिए आपका खत्म हो जाएगा, खत्म। जस्ट इसको एक बार लेवल ऑन करने से आपका ये इंटरलॉक लग जाएगा, इंटरेक्शन लॉक भी बोलते हैं, और ये हो गया जस्ट एक्सल ड्यूअल डिफरेंशियल, ड्यूअल डिफरेंशियल, इसको हम लोग बोगी लॉक भी बोलते हैं, बहुत सारे ने इसको बोगी लॉक, जिस लैंग्वेज में आदमी जानता है, जैसे डिफरेंशियल लॉक, कोई इंटरलॉक, बहुत सारा है। अच्छा चलिए, पीडीओ, ये हाई हील बटन है। अच्छा, हाई हील बटन का काम होती है 3 सेकंड के लिए गाड़ी स्टॉप रखना है, जैसा कि वॉल्वो वगैरह सब में है, यानी जब हम पार्किंग में है और पार्किंग छोड़ेंगे तो 3 सेकंड के लिए चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, चढ़ाई में चढ़ते समय अगर मान के चलिए कि मेरा गाड़ी स्टॉप होने वाला है तो हैंड ब्रेक यूज करने से अच्छा है कि आप इसको गियर में अपना गाड़ी लगाइए, इसको ऑन करके रखिए और जस्ट एक्सीलेटर छोड़ के, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर लगा दीजिए, 3 सेकंड के लिए अपना गाड़ी उठा लेगा, ढूलने नहीं देगा, ढूलने नहीं देगा पीछे। चलिए, ये हॉर्न है, हॉर्न यहाँ पे रहता है, खराब हो गया इसलिए हॉर्न को यहाँ लगाया गया, ठीक है। ये हो गया आपका डाला स्विच, पीटीओ स्विच, पीटीओ स्विच, ये क्या कभी भी आप स्कैनिया सब में दिया हुआ रहता है, ये आपको कभी भी लगाना है तो ये बटन को पोस्ट करके ऑन करके उसके बाद ही आपका पीटीओ पीटीओ काम करेगा। हाँ, ये हर एक ट्रांसमिशन गाड़ी में इसी तरह का सिस्टम, ये सिस्टम आपको सब में दे, सब में मिलेगा ट्रांसमिशन, क्योंकि वॉल्वो में भी है, हाँ वॉल्वो में भी है। ये हो गया, तो यानी कि पीटीओ स्विच ये है आपका, पहले वो स्विच ऑन करेंगे उसके बाद हम लोग पीटीओ का, हमेशा ये पहले ऑन करने के बाद ही ये उठा के, और जब बंद करना तो फिर उसको ऑफ भी करना है, गाड़ी भागेगी भी नहीं। हाँ, ये लॉक रहती है, लॉक रहता है, यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है इजी का, इजी आपका लॉक रहता है। चलिए ठीक, दूसरा चीज है इजी का मतलब हो गया इंजन गैजेट्स, और ये हो गया आपका रेड बटन, ये तो सब गाड़ी में रहती है, पीटीओ का स्विच हो गया, ये हो गया डाला स्विच, अंदर का जो केबिन लाइट, ये एसी का है, और ये अंदर में एयर
मतलब अंदर मतलब हवा को अंदर ही रोल करने के लिए, और ये एसी का बाहर मतलब फायर चल रहा है उसके लिए है, इसके लिए ये एसी स्विच हो गया, ब्लोअर स्विच हो गया, और ये जहाँ से लेना है, जहाँ से एयर लेना है बाहर से अंदर, ये ठंडा और गर्म, ये हीटर का है और ये एसी का है, और ये हैंडब्रेक हो गया, ये हैंडब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक, इसको यूं करके छोड़ दीजिए, यहाँ पार्किंग इसको ऐसे लगा दीजिए, बस यही है, और इस गाड़ी में कुछ है नहीं, कुछ खास के लिए अगर जानना है तो बस वॉल्वो में जैसा यहाँ दिया हुआ जिस तरह यही सिस्टम यहाँ है, यहाँ पे एक सीट अप डाउन सीट एडजस्टमेंट के लिए, सीट एडजस्टमेंट इधर रहता है, विदाउट क्लच का गाड़ी है, राइट साइड में एक्सीलेटर और कुछ नहीं है, बस सिंपल है। चलिए तो ये रियाजुल भाई जो है बहुत अच्छे से आपने समझाया, और बताइए रियाजुल भाई, तो अभी चलिए अभी तो मतलब बारिश का टाइम है, गाड़ी बंद है, जैसा कि मेरा फ्रेंड मिलने के लिए आ गया तो चलिए चलिए सारा वीडियो देखे, अरे इसमें एक चीज क्या है ना रियाजुल भाई कि एक मिनट कैमरा को फ्रंट कर लेते हैं ना, इसमें क्या है ना रियाजुल भाई देखिए कि जो भी नया लड़का है, मान लीजिए कि होता क्या है कि हम लोग चलिए माइंस में है, माइनिंग लाइन में है, ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम जिस साइड में भी है वहाँ पे वॉल्वो चल रहा है, उसके बाद मशीन चल रहा है, अभी आप जिस साइड में यहाँ पे स्कानिया चल रहा है, तो इससे पहले तो हम लोग सब साथ में ही, देखिए ऐसा है कि जितना अपने साथ का दोस्त है मैं उन्हीं के पास आता हूँ, पहले फोन मारता हूँ किस साइड में हो, फलाना साइड में हो, मतलब ठीक है टाइम निकाल के एक दिन आते हैं दोस्तों के लिए कुछ बनाते हैं। तो क्या है इसमें फ्रेंड्स की जैसे कि बहुत जगह होता है ना कि बहुत सारे कमेंट्स थे कि स्कानिया कैसे चलाना है, स्कानिया के बारे में बताइए और स्कानिया का गियर के बारे में बताइए, तो स्कानिया का गियर अगर मैं बोर्ड पे छाप के बताता तो मजा नहीं आता। अब मैं सोच रहा था कि भाई स्कानिया के बारे में बताना है तो हाँ प्रैक्टिकली दिखा के बताना है, तो भाई मैंने फिर राजू भाई को फोन लगाया, हम बोले कि आप हो कहाँ पे, तो बोला ऐसा ऐसा बात है, मैं ठीक है मैं जिस दिन आता हूँ छुट्टी में फिर मैं चलता हूँ साथ में, तो फिर मैं आया अभी साथ में और काफी अच्छा बताया। तो दोस्त आप लोग वीडियो देखने के बाद बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी कंफ्यूजन है आपको कि गियर के बारे में कि ऐसा है वैसा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है vikirawani25 आप उसमें भी आके आप हमको बता सकते हैं कि भाई ये कंफ्यूजन है इसका स्कानिया का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और लगे रहिए राजू भाई, ठीक है, चलिए बाय बाय।